हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं SSONU MKB यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है कई प्रकार के काम में आने वाले ऑक्सपीन के बारे में। जी हाँ, आपने फिर से सुना, आज हम ऑक्सपीनों के बारे में फुल डिटेल्स दे रहे हैं और ऑक्सपीन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, आज इसकी हम पूरा जानकारी आपको देते हैं। फिर आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पिन आती है वो आती है फर्स्ट स्टेप की सिंगल पिन, जिसमें एक पूरा अर्थ है और एक है फेस है। इसको PP पिन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसका नाम है PP पिन। इसमें एक ऑडियो काम करेगा यहाँ पर और एक अर्थ होगा। आप इसको ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चार्जिंग पिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो कनेक्शन होती है उसके लिए आप बता दें हम आपको कि इसको आप पहले खोल लीजिए। ये चूड़ी पे होता है, देखिए आप ये बड़े वाले सिरे पे माइनस देंगे यहाँ पर और इस सिरे पे आप प्लस का तार लगा देंगे, तो ये जो है सिंगल पिन हुई। अब हम आपको बात करते हैं डबल पिन की। ये रही डबल पिन। डबल पिन भी सेम इसी तरह होता है और आपको हम दिखाते हैं। इसमें जो है ये सिरा माइनस होता है, इधर वाला ये सिरा माइनस है, ये सिरा बीच का जो है प्लस है। ऑडियो ए हो गया और ये जो ऑडियो बी हो गया, अर्थात ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, क्योंकि ऑडियो में लेफ्ट एंड राइट चलता है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया और ये अर्थ हो गया। इस तरह होता है, पिन भी इसी तरह निकले होते हैं। बस ये छोटा पिन की जगह पर एक और छोटा पिन यहाँ पर निकला होता है। ये हो गया दो पिन का बात। अब आता है इसके बाद तीन पिन की ऑडियो पिन। तीन पिन में ये जो है अर्थ होता है और ये माइक होता है, ये माइक के लिए काम करता है, माइक के लिए, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। इस तरह पिन जो है इसका कनेक्शन ठीक सेम उसी तरह होता है। और एक आदि वो हमारा पिन है नहीं, अब दिखाए थे यहाँ पर एक और आती है पिन, वो वीडियो पिन भी लगी होती है, इसके बाद लगी होती है, हालांकि वो मिलती नहीं है, उसका जिक्र नहीं करते हम क्योंकि उसको आजकल वो अलग से कनेक्शन मिलते हैं। अब आता है आपके लिए एम्पलीफायर पिन। जी हाँ, ये भी ऑडियो पिन ही है और एम्पलीफायर पिन है। तो ये माइनस पॉइंट हो गया इसका अर्थ और ये जो है ऑडियो हो गया। अब इसमें लेफ्ट एंड राइट बनाने के लिए ऐसे आपको दो पिन की जरूरत पड़ेगी, अर्थात एक पिन की कनेक्शन से लिख करते हैं खोल के। जी हाँ, देखिए ये जो है प्लस सिरा है और ये जो है माइनस सिरा, अर्थात ये जो सिरा है इसका है और ये जो सिरा छोटा वाला इसका है। अब आपको लेफ्ट एंड राइट दो एम्पलीफायर बजाना है एक मोबाइल से, तो कैसे कनेक्ट करेंगे उसके लिए आपको ये पिन लगेगी एम्पलीफायर से बजाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप ये करेंगे कि इसका माइनस लेंगे और इन दोनों इनमें का दो पिन लेंगे, आप यहाँ दोनों पर कनेक्ट कर देंगे। जी हमें दो पिन निकाल लिए, देखिए आप इसका अर्थ एक में कर देंगे और इस वाले में एक में कनेक्ट कर देंगे। इसका एक सिरा जो बचेगा फेस वाला वो ला करके आप यहाँ पर दे देंगे इस वाले में, और ये बीच वाला जो बचेगा वो ला करके आप इस वाले में दे देंगे। तो इस तरह डबल ऑडियो जेक पिन बन जाएगी, इसे जेक पिन के नाम से जाना जाता है। और आपका एक मोबाइल से दो एम्पलीफायर बजेगा, वो भी स्टीरियो लेफ्ट एंड राइट, अर्थात लेडीज़ की आवाज़ अलग आएगी और जेंट्स की आवाज़ अलग आएगी, ऐसी क्वालिटी होती है स्टीरियो में। हालांकि ये सिनेमा घर और में ज़्यादा आपको मिलेंगे थिएटर में, ठीक है। और अब बात करते हैं हम एक और अतिरिक्त पिन है, जिसके ये पिन है, ये सॉकेट पिन है। ये ऊपरी परत माइनस होता है और ये प्लस का पीछे वाला फ्रिज वाला यहाँ से आप निकालते हैं, देखिए इसका। और इसमें जो बनता है ये पिन है, इसको AV पिन के नाम से जाना जाता है, AV पिन है। तो उसको AV पिन में ये माइनस पॉइंट होता है, इसमें सब तार लगे हुए दबा देंगे और यहाँ पर फेस लगा कर देंगे। तो इस तरह आप पिन के कनेक्शन करेंगे सभी, और स्टूडियो पिन 3 पिन के नसर करेंगे। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले वीडियो में फिर मिलें, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये पिन बनाने में दिक्कत होती है तो ऐसे मार्केट में भी पिन बने बनाए उपलब्ध हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।